खबर में आगू बाढ़ और अभी ए बेरा के बड़े खबर आवत है बेमेतरा जिला ले, जहां एक महिला के हत्या करे के मामला में पूरा जैन समाज है चक्का जाम करे है। धारदार हथियार और दवा ले महिला के हत्या करे गए है। मृतका के नाम रिंकी जैन बताए जावत है और यही बात ले आहत हो के परिजन मन जैन समाज के संग मिल के चक्का जाम करे थे। तो दुर्ग हाईवे ला जाम करे हुए हैं जैन समाज के लोगन जुड़े हुए हैं, साथ में परिजन मन हवे। तो घर में घुस के महिला के जो निर्मम हत्या करे गए है उखरे विरोध करे जाते परिजन मन के द्वारा, साथ में जैन समाज के लोगन भी हवे। तो साजा ब्लॉक के देवकर चौकी के ये पूरा मामला आप मल्ला बता थन। दुर्ग हाईवे ला जाम करे गए है, काफी आक्रोश दिखा थे। बड़े सवाल है कि घर में घुस के निर्मम तरीका से जो हत्या करे गए हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करा थे। चलो ये मामला में लेके पुलिस के का कुछ कहना है यहू सुन लेते हैं। सर क्या मामला, क्या घटना है? दिनांक 4/11/2020 के रात्रि करीबन 7 बजे खेत में जैन ने चौकी आकर सूचना दिया कि मेरे घर में बहू को आवाज दिए तो कोई आवाज नहीं दे रही है। जिसकी सूचना पर हम लोग स्टाफ के मौके पर पहुंचकर जाकर देखे कि दरवाजा में ताला बाहर से बंद था। ताला तोड़कर अंदर घुसे तो सुमन जैन खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी, जिसे इलाज हेतु तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा भिजवाया गया। प्रथम दृष्टया मामला लूट का देखा जा रहा है। इलाज के दौरान सुमन जैन की मौत की सूचना मिली है। पूरे घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक महोदय बेमेतरा को जानकारी दिया गया। बाद तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच निर्देश दिया गया है। डॉग स्क्वाड की मदद ली गई है। पुलिस विवेचना जारी है। तरह जिला के ये बात आप मतलब बता था साजा के देवघर चौकी के मामला, जहां महिला के निर्मम तरीका ले हत्या कर दी गई। ये बात से आहत होकर आक्रोशित होकर परिजन मन जैन समाज के लोगों के संग मिलकर चक्का जाम करके दुर्ग हाईवे ला जाम करे। और ज्यादा जानकारी के संग हमारे संग जुड़े थे हमारे सहयोगी विजय चौबे। विजय आप मन सो समझना चाहबो का कुछ ये पूरा मामला है, अब तक ये लेके का कुछ कार्रवाई हो है? कबर परिजन मन तो आक्रोशित दिखा थे, संग में जैन समाज के लोगन भी जुड़िया है। ये मामला एक हत्या के मामला है। अज्ञात चोर द्वारा कल यहाँ जैन परिवार के कुखराज गोलछा के पत्नी रिंकी गोलछा के अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुस के भयानक तरीका से हत्या कर दी। ओ मामला लले की ये सारी घटनाक्रम घटे है, जमा द्वारा घर वाले ला जबरदस्ती परेशान करे के मामला आते कि अपन जुर्म ला कबूल ले ताकि ओकर 2 साल के सजा ला कम कर करा दी जाए। जेमा ओमन खासा नाराज है कि जो गुनाहगारी वाला ना पकड़ते हुए हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन जबरदस्ती दबाव बनाए के कोशिश कर रहे थे। और ये बात ला लेके आज जो मन पूरा नगर में चक्का जाम कर दे, रोड बिल्कुल घेर के बैठ ले। आप देख सकते हो और जस्ट पीछे में पूरे समाज के महिला और जितने भी ये पुरुष मन यमन सब खड़े है। यहाँ तक की लाश लभी अभी अपन कब्जा में और तब तक नहीं जलान कहते जब तक के कातिल ला ना पकड़ ले और ये बेबुनियाद आरोप पुलिस घर वाले ऊपर ना लगाए। प्रकाश जी जी विजय ये पूरा मामला लेके अब तक पुलिस के का कुछ रुख रहे हैं, का जो अपराधी है उखर तक पहुंचे के कुछ प्रयास करे जाते या कब तक पकड़े जा सकी, ऐसे कुछ पुलिस की तरफ से कहे जाते जन मन के मान कि जी जी
परिजन मन एक अज्ञात व्यक्ति पर जाहिर करे है कि शायद कथित तौर पे वही हत्याकांड अंजाम दे, लेकिन पुलिस अभी तक ओखर तक पहुंच नहीं सके है। और ये बात के रोष पूरा परिजन मल्ला है जी। प्रकाश जी चलो विजय, ये तमाम जानकारी पर आप मन के धन्यवाद। फिर ये जो मामला है वो बिल्कुल एक बड़े मामला है, कबर की एक महिला के दिन दहाड़े हत्या कर दिए जाते, अभी तक पुलिस उखर तक पहुंच नहीं पाए, परिजन मन आक्रोशित है, जैन समाज के लोगन उखर संग एक साथ मिलके जाम करा थे, तो देखे लो ही कि कब तक पुलिस जो है वो असल जो अपराधी है वहां तक पहुंच पाती। छोटे से ब्रेक पर यहां रुका था, फिर ब्रेक के बाद तुरते लौट बो।